तो खबर रायपुर से है, जहां हेट स्पीच प्रकरण पर कार्यकर्ताओं को नोटिस देने पर अब बीजेपी भड़क गई है। आज जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता थाने जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में थाने पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर से सिविल लाइन के लिए थाने पर जाएंगे। तो वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नोटिस देने के विरोध में अब बीजेपी भड़क गई है और साफ तौर पर बीजेपी अब जवाब देने के लिए थाने में जाएगी, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में सभी थाने पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर से सिविल लाइन थाना जाएंगे। साथ में वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी नेताओं पर जो मामले दर्ज हुए या जिनको नोटिस भेजे गए, उसके बाद से बीजेपी अब भड़की हुई नजर आ रही है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में आज दोपहर में थाने पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही जो है बीजेपी के 8 नेताओं को जो है बीरनपुर की घटना के बाद सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर जो है नोटिस जारी हुआ था, हेट स्पीच को लेकर नोटिस जारी हुआ था और 17 तारीख को इन्हें जवाब देने के लिए कहा गया था। उसी के तहत आज दोपहर 1 बजे जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा और साथ ही साथ सौरभ सिंह के अगुवाई में जो है आज एकात्म परिसर ये सिविल लाइन थाना पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर इसका जवाब देंगे। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है अब राजनीति नहीं, अब वो पार्टीगत काम कर रही है और लगातार बीजेपी के हर मुद्दों को जो है बीजेपी को हर मुद्दे में घेरते नजर आ रही है, आरोप लगा रही है। और इसी में जो मोहन मरकाम है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो वो उस पर कार्रवाई होगी और बीजेपी जो है वो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही, क्योंकि जो बीरनपुर की घटना थी उसके बाद से ही लगातार चाहे हम पुलिस की बात कर लें या सरकार की बात कर लें, वो सभी लोगों से अपील कर रही थी कि सोशल मीडिया में किसी तरीके का भी भड़काऊ पोस्ट ना करें और यदि कोई करता है तो एडमिन के साथ साथ तमाम वो लोग जो इस तरीके का सौहार्द बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में राजधानी रायपुर में 8 जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया था और जवाब देने को कहा गया था। इसी और उसी को लेकर आज बीजेपी के जो है वो सिविल लाइन थाना पहुंचकर अपना जवाब देंगे। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी पहुंचेंगे, लगातार 1 बजे तक सभी थाने पहुंचेंगे। हेट स्पीच प्रकरण में कई बीजेपी नेताओं को नोटिस दिया गया, जिसके बाद जवाब देने के लिए आज बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में थाने जाएंगे।